नमस्ते, गुड मॉर्निंग। आज फिर से आपके सामने लाए हैं एक नई रेसिपी और बहुत टेस्टी और वैरायटी सबर हैं और सभी लोग इस सलाड्स को बहुत पसंद करेंगे और खास करके वीडियो देख के अवश्य ही अपने किचन में ये सलाद अवश्य बनाइएगा। कहते हैं कि भोजन से ही हमारा जीवन बनता है और भोजन ही मृत्यु का कारण भी बनता है, लेकिन हमें चुनाव करना है कि किस तरीके से हम भोजन लें, किस प्रकार का भोजन लें जिनसे नया जीवतदान मिले। और भोजन से जीवतदान जैसे मिलता है, वैसे एक मृत्यु की तरफ भी हम अग्रेसर होते हैं। सभी को, मनुष्यों को, जब आज विज्ञान इतना आगे बढ़ गया है कि वो पक्षियों की तरह आकाश में उड़ते हैं, मछलियों की तरह पानी में तैरना भी सीख गया, पृथ्वी को छोड़ के चंद्र के ऊपर भी हम चले गए हैं, लेकिन दुविधा की बात यह है कि हम क्या खाएं, कितना खाएं, किस प्रकार से खाएं, यही समझ हम खो बैठे हैं। तो आज हम ये सलाड जो बनाने जा रहे हैं, कोशांबरी सलाड, जिनको साउथ में, खास करके कर्नाटक में ये सलाड बनाया जाता है और सभी का फेवरेट है। आप भी एक बार टेस्ट करेंगे तो आपको भी बहुत बढ़िया लगेगा। ये सलाड हम अपने दैनिक जीवन में, एनडीएस लाइफस्टाइल में ऐड कर सकते हैं। अभी जनरली हम एनडीएस लाइफस्टाइल में अनाज और दालों का प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन इसमें एक दाल का प्रयोग किया गया है, तो इस प्रकार से वो चाहे चने की दाल हो, मूंग की दाल हो या किसी भी प्रकार की दाल, और बीन्स उनको स्प्राउट करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और बिना पकाई है और पानी में लगभग 12 घंटे 15 घंटे भिगो कर रखना है, और उसमें से जब एसिडिक लेवल काफी मात्रा में कम हो जाता है, बाद में उनका इस सलाद बनाने में प्रयोग करना है। तो हमारे साथ जुड़ी हैं कृष्णा। कृष्णा हमें सिखाएगी कि ये सलाद किस प्रकार से बनाते हैं, और साथ में हैं बीना बहन, वो दोनों इस सलाड्स को आपको प्रेजेंट करेगी। तो कृष्णा, ये सभी दर्शक जानना चाहते हैं कि किस प्रकार से ये सलाड बनाया जाता है, आप उनको सिखाएगी। तो आज हम साउथ का ये कोसंबरी सलाड बनाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे ये जो वेजिटेबल है ये गाजर है, इसको कद्दूकस करके रखा है, तो पहले वो डालेंगे इसमें। और ये ककुम्बर है, इसको भी कट कर लेना है बारीक। और ये नारियल को उसको कद्दूकस किया हुआ है वो डाल देंगे। ये नारियल एकदम सा फ्रेश है, जो हम कच्चा नारियल खाते हैं ना, पानी पी के जो पतला सा वो वाला यूज नहीं करना है, पर थोड़ा सा पका हुआ और थोड़ा सा कच्चा जो मीडियम का हो, जिसके छिलके बहुत ज्यादा फाइबर ज्यादा मात्रा में निकल रहा है, ऐसा कोकोनट नहीं है, एकदम सा जो हम मिल्क बनाने में यूज करते हैं, बटर बनाने में यूज करते हैं, ऐसा मिल्क, वो ऐसा कोकोनट यूज किया है हमने। और ये जो मूंग की दाल है उसको 12 या 15 घंटे इसको भिगो के रखना है, वो डालेंगे, वो हम थोड़ी मात्रा में इसको डालेंगे, ज्यादातर वेजिटेबल है हाँ उनसे कहीं गुना कम डालना कम। है। हाँ ये तीन चार वेजिटेबल की कटोरी हमने डाली है शायद, तो उसमें हमने दो आधे आधे 2 चम्मच जितना ही वो मूंग की दाल डाली है। मूंग की दाल जो बिना छिलके की आती है वो भिगो कर रखी है। ये कठोल में आप है पल्सिस है, उसमें स्प्राउट मूंग है, स्प्राउट चने है, बीन्स है, स्वीट कॉर्न है,
तो वो सभी के अलग अलग आप कोसुंबरी सलाद बना सकते हैं वैरायटी रूप से। हाँ, पर अनारदाने भी डालेंगे तो टेस्ट भी बढ़िया मीठा बन जाएगा। जो भी वेजिटेबल्स है आपको जो भी पसंद है वो हम आप यूज कर उसमें यूज सकते कर सकते हैं। जी। और यहाँ पे शिमला मिर्च, लाल वाली जो शिमला मिर्च आती है, उसके टुकड़े किए हुए हैं वो डाल देंगे। और ये टमाटर है वो भी इसको डाल देंगे, इसमें सारे डाल दें। बड़ी पत्ता लिया हुआ है वो भी डाल देंगे इसमें। अब सारे मसाले डाल देते हैं। ये लाल मिर्च पाउडर पाउडर। टीस्पून है, एकदम से 1 टीस्पून डाला हाँ, है मैंने। नमक है स्वाद के स्वाद अनुसार के अनुसार डाल दीजिए आप। धनिया धनिया पाउडर। पाउडर है 1 चम्मच टीस्पून जितना, हल्दी थोड़ी सी पाउडर। हल्दी सी पाउडर आधी, हाँ आधी से भी कम। ये तीखी मिर्च है, छोटी वाली आती है, 1 चम्मच छोटी सी डाली है। धनिया पत्तिया फ्रेश है, वो भी आप डाल सकते हैं। बाकी रहा उसमें सीधा लेमन जूस। हाँ, लेमन जूस डाल के एकदम 5 मिनट का ये सलाद है। सीधा कटिंग कोई भी वेजिटेबल्स हो वो आप कटिंग करके डाल देना है और सीधा बस मिक्स कर दिया। अभी इसको अच्छी तरह से मिक्स कर हाँ, वहाँ लेंगे। साउथ में तो कृष्णा दीदी इसमें तड़का लगा के यूज करते हैं, पर जी, बिना तड़के का भी बहुत अच्छा ये अच्छा बन सलाद लगता जाता है। है। हाँ, और कभी कभार रात की डिनर में आपको यूज करना है तो सीधा सिर्फ तपेला है वो गरम करके उसमें कच्ची राई बस बिना ऑयल की फोड़ देंगे और कड़ी पत्ता इसमें डाल डाल के। देंगे। हाँ, तो भी इसमें अच्छा लगेगा आपको। ये हमारा सलाद बिल्कुल रेडी है। आप देखेंगे बहुत नवरत्न कलर आ गए हैं इसमें। जी, सारे वेजिटेबल्स हाँ, ज्यादा है। और इसमें जो नारियल डाला है ना अच्छा। आपको बहुत पसंद आएगा। कृष्णा दीदी आप चक्कर ठीक बताए। है। बहुत ही टेस्टी बना है ये सलाद, कोसंबरी सलाद जो साउथ का फेमस है। जी, मैंने तो आज पहली बार खाया है, बहुत ही अच्छा बना है। ये यहाँ के बेंगलोर से आए थे पूरा फैमिली, उन्होंने सिखाया सिखाया है। है। और नहीं, ये हमारे डाइट में ऐड करने जैसा है। जैसा है। और कृष्णा दीदी ये कौन कौन से लोग खा सकते हैं, मानो कोई ऐसे घातक बीमारी से पीड़ रहे हैं। कि दाल है तो ज्यादातर हम दोपहर के बजाय शाम को हाँ, यूज करें डिनर में तो ज्यादा अच्छा रहे, और स्वस्थ व्यक्ति तो ऐसा सलाड खा सकता है। खास करके जिसको बीपी है, कमजोरी है, वेट गेन करना है, उसके लिए तो ये बेस्ट है बेस्ट सलाद। है। और जो युवा है वो भी खा पूरा सकते हैं। दोपहर के वक्त आपको हाँ, मूंग है, मूंग चावल, मूंग रोटी, वो सब सिलेक्ट करें, उनसे बढ़िया तो ये सलाद है। सलाड है। हाँ, तो उत्साह रहेगा आपको भी कुछ जी, ना कुछ काम करने का। स्वस्थ रहे, मस्त मस्त रहे। रहे।